नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। तेजस्वी यादव के बयान पर हम एक हैं और सुरक्षित हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जसवाल का रिएक्शन, कहा तो आइए और एनडीए में शामिल हो जाइए, एक हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, संभल में हुई हिंसा का एक बड़ा मुद्दा, चार लोगों की जान चली गई, इस मुद्दे को संसद में उठाया जाना चाहिए। हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। घटना की जांच होनी चाहिए, यह पुलिस प्रशासन और सरकार की विफलता है। भारतीय तटरक्षक बल ने अंडमान में 5 टन ड्रग्स किए जब तब तक की सबसे बड़ी ड्रग खेप। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के मतदाता लोकतंत्र के प्रति समर्पित हैं, संविधान के प्रति उनका समर्पण है, संसदीय कार्य प्रणाली में उनकी आस्था है। संसद में बैठे हम सभी को जन भावनाओं पर खरा उतरना होगा और ये समय की मांग है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा बयान, कहा इस चुनाव में ईवीएम एक बड़ा मुद्दा रहा, इसलिए हम इस बार कहते हैं कि यह परिणाम तो आने दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में एक बार फिर पेपर बैलेट से चुनाव कराइए और फिर हमें दिखाइए कि परिणाम वही है। महाराष्ट्र में जो भी चीजें हुई उसके लिए श्री डीवाई चंद्रचूड जिम्मेदार हैं। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा संसद पहुंचे। 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेताओं ने संसद में बैठक कर सदन के शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति की तैयार। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के बयान की ईवीएम हैक के कारण एमवीए महाराष्ट्र हार गया पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, मुझे यह आभास था कि वह एक परिपक्व व्यक्ति हैं, लेकिन वह भी राहुल गांधी की तरह बात कर रहे हैं। भाजपा केंद्र में थी जब उन्होंने कर्नाटक में 135 सीटें जीती और झारखंड चुनाव भी जीते, लेकिन फिर भी वे ऐसी बातें करते हैं। एएसआई सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा के बाद संभल प्रशासन आया हरकत में। संभल प्रशासन ने बाहरी लोगों और समूहों के अनधिकृत प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। हरियाणा सरकार ने नया हेलीकॉप्टर खरीदा, नए हेलीकॉप्टर का किया गया हवन पूजन। हवन पूजन में सीएम नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल शामिल। सिविल एविएशन मंत्री विपुल गोयल का बयान, लंबे समय से नए हेलीकॉप्टर की हो रही थी मांग, पुराने हेलीकॉप्टर को हो चुके थे 15 साल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।